अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फन कॉल सां गॾु हाज़िर आहियूं। मां आहियां सौरभ सुमरो ऐं मूंसां गॾु आहे बिस्मा। अॼु असां हिकिड़ी फन कॉल कंदासीं। तमामु प्यारो दोस्त आहे इरफान समो, जेको कंपोज़र बि आहे, तमामु सुठो सिंगर बि आहे। उनखे कॉल कंदासीं बिस्मा, आप उनको कॉल कीजिएगा इरफान समो साहब को, ठीक है, और उनको कहें कि मुझे सिंगिंग का शौक़ है और एल्बम बनाना है, कितना खर्चा आएगा, तकरीबन आपका स्टूडियो कहाँ पर है, और गाने जो हैं वो शायरी मैं सिलेक्ट करके आऊँ या आप देंगे शायरी, और कंपोजर आप कैसे हैं, यहाँ पर कोई धुन बना के दिखाएं मुझे। एक शायरी मैं आपको दे रही हूँ, उस पर धुन बना के दिखाएं, फिर मैं आऊँगी आपके पास। ठीक है। झुकाओ नजरे बतूल दादी, जहाँ मैं तशरीफ ला रही है, हया का सूरज निकल रहा है, किरण किरण जगमगा रही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, इरफान समो बात कर रहे हैं जी? आपको? जी, मैं उरूज बात कर रही हूँ कराची से। जी जी, मुझे अपना एक एल्बम बनाना था सॉन्ग के लिए, तो अभी आप फ्री हैं? आशीष, मुझे 10 मिनट के बाद आप कॉल करेंगे तो मैं आपसे बात करूंगा। अभी बिजी हैं आप? बस 10 मिनट के बाद आप कॉल करें, मैं अपनी लिफ्ट में हूँ, ऑफिस पहुँच जाऊँगा। अच्छा, चले 10 मिनट के बाद कॉल करते। अच्छा, इरफान समो साहब लिफ्ट में हुयो चए पियो, थोरी देरि खां पोइ मूंखे कॉल कयो, ऐं असांखे ख़बर आहे त जिते हिननि जी ऑफिस आहे, जहां हिन खां ऑफिस आहे, वहां पर लिफ्ट ख़राबु होता है तकलीफ़। अच्छा, सीढ़ियां चढ़ रहे थे, इसलिए बोल रहे थे कि मैं बात नहीं कर सकता फिलहाल, लिफ्ट में हूँ। हेलो जी, जी कॉल कट गई थी। जी मैं कह रही थी, मैं ये पूछ रहा था कि आप एक गाना, एक सॉन्ग करना चाहते हैं या पूरा एल्बम करना चाहते? नहीं नहीं, मैं पूरा एल्बम करना चाहती हूँ। अच्छा, उसके पास, उसके लिए आपके पास लिरिक्स वगैरह हैं, शायरी है? देखिए, शायरी तो मेरे अब्बू के पास है, वो आपको बता देंगे शायरी, तो फिर कंपोजिशन आप ही करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, उर्दू है पंजाबी? उर्दू है। ठीक हो गया। गजल, गजल की शायरी है या जो कलाम होते हैं इस टाइप का कोई? नहीं नहीं, गजल की शायरी है। तो अभी आप अगर ऑडिशन भी लेना चाहते हैं तो ले ले मुझसे, मैं अगर आपको सुना दूं कोई, अगर आप चाहते हैं तो। ठीक है, आप मुझे सुना दीजिए, आपको अच्छी तरह कोई गजल याद हो मुझे सुना। अच्छी तरह थोड़ा सा मैं ट्राई करूंगी, आप दे जरा गौर फरमाइएगा। असल में ये है कि जिसके ऊपर आपका ये है कि आपको उबूर हो, आप वहां पे कॉन्फिडेंस से गा रही हो। मैं कोशिश करती हूँ, आप सुनिएगा। उन झील सी गहरी आंखों में एक शाम, कहीं आबाद तो हो उस झील किनारे, पल पल दो पल एक ख्वाब का नीला भू। काफी है? गुड, वेरी गुड। अच्छा, कोई दूसरा, कोई लता जी का गाना, कोई मैडम लोग जानता है तो? दूसरा गाना, जैसे कोई भी गाना सुना दूं मैं आपको? कोई भी मैं आपकी रेंज देखूं। अच्छा, चले मैं आपको राहत फतेह अली खान का सुना देती हूँ, एक मुझे याद है वो। तेरी आँखों की दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था, जरूरी था कि हम दोनों तवाफे आरजू करते, मगर फिर आरजुओं का बिछड़ना भी जरूरी था। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, आपकी राय शाम
मेरी रिहाइश है महमूदाबाद 4 नंबर। महमूदाबाद 4 नंबर। आप ऐसा करें बीच के, आप मेरे स्टूडियो पे ना, आपका स्टूडियो कहाँ पे है? मेरा स्टूडियो सदर में है, मेट्रोपोल होटल के बिल्कुल बाजू में। अच्छा अच्छा, मैं आपको आपका सेल फोन नंबर सेंड करूँ या व्हाट्सएप कर दूंगा। जी जी, आप मुझे एड्रेस कल नहीं परसों आप दिन में किसी 5 बजे से पहले और 2 बजे के कोई भी टाइम रखकर। तो ठीक है, मैं अपने अब्बू के साथ आ जाती हूँ फिर। अब्बू के साथ आ जाएं, आप अब्बू के साथ ही आ जाएं, लेकिन ये है कल नहीं परसों आप। अच्छा चले, मैं परसों आ जाऊंगी, लेकिन पैसे कितने लगेंगे एक एल्बम बनाने में? देखो उरुज, वो सामने बात करेंगे, कलाम देखूंगा और आपको उस कलाम में से एक आध ट्यून बना के आपको रेस्ल कराऊंगा, उसके बाद ही फाइनल डिसीजन हम दे पाएंगे कि आपकी वोकल के ऊपर कितनी मुझे मेहनत करनी पड़ेगी और किस टाइप की म्यूजिक बनानी पड़ेगी। या तो फिर जब एक मीटिंग हम करेंगे शायद ही देखूंगा, फिर ही बता सकता हूँ। वैसे अगर मैं आइडिया लेना चाह रही हूँ, अगर आप बनाते तो कितने पैसे लेते हैं, थोड़ा आइडिया हो ना, डैडी को भी मैं अपने बता सकूं। देखे उरूज, एक एल्बम 1.5 लाख से स्टार्ट होता है, अप टू 10 लाख तक चला जाता है। वो आपके ऊपर है कि आपने उसमें किस तरह, मैं आपको 2-3 किस्म के काम सुना दूंगा, सॉन्ग सुना दूंगा कि एक ये म्यूजिक का स्टाइल है, एक ये एक उस 3 कैटेगरी में से आपको जो पसंद आएगा। अच्छा, हम उसको पर काम। अच्छा, तो आप एक सुना सकते हैं मुझे अभी एग्जांपल के तौर पे? नहीं, इस पर पता नहीं लगेगा ना, मतलब जब तक साउंड में नहीं सुने कैसे पता लगेगा आपको कि ये क्या बज रहा है कैसा है। थोड़ा सा ही सुना देते मैं, मतलब आइडिया हो जाता ना एक। चलो अगर आपके पास व्हाट्सएप है तो मैं आपको व्हाट्सएप कर सकता हूँ, बताइए। ऐसे सुनाने में नहीं समझ में आएगा, मतलब कॉल पे नहीं समझ आएगा ऐसे? नहीं, कैसे समझ में आएगा, आप उसका बेस नहीं समझ पाएंगे, उसका रिदम नहीं सुन पाएंगे अच्छी तरह से, क्वालिटी। अच्छा, मेरे अब्बू से एक मिनट बात कर लेंगे आप, वो आपको शायरी थोड़ी सी समझा देना। जी जी। हाँ बेटा, कौन है? वही कंपोजर मैंने आपको बताया था ना। अच्छा, वो जो आपने बताया। जी जी जी। हाँ बेटा, ठीक है। हाँ बेटा, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम जी, मेरे हुजूर अनवर, तबीयत कैसी है, ठीक है आप? भाई मेरा नाम अनवर नहीं है, मेरा नाम कफील है। जी मेरे भाई, जी मेरे भाई, हम सुना दी क्या, कौन सी कलाम आपके पास है, किसकी शायरी है? अच्छा, पहले ये मुझे जरा पता करना था कि आप कंपोजर हैं, मतलब वो जो मौसीकी देते हैं। मैं म्यूजिक कंपोजर भी हूँ, मैं म्यूजिक डायरेक्टर भी हूँ, धुनें भी कंपोज करता हूँ, म्यूजिक भी देता हूँ, मेरा स्टूडियो अपना है, उसमें रिकॉर्ड भी करता हूँ, पूरे हाउस भी बनाकर दे सकता हूँ। नहीं मतलब आप गाने बनाते हैं? मतलब कैसे बनाते हैं वो, कहाँ पर आपका कोई कारखाना वगैरह कहाँ है? ये फैक्ट्री कारखाना नहीं है, मेरा स्टूडियो है। कारखाने में गाने नहीं करते, गाने स्टूडियो में बनते हैं। मेरा रिकॉर्डिंग स्टूडियो है आडियो लैब के नाम से, गवर्नर हाउस के बराबर सदर। अच्छा अच्छा, तो बेटा ये कितने एक दिन में कितने गाने बना के देंगे आप हमें? एक दिन में नहीं होगा हुजूर, ये जो है कम से कम एक गाना जो है आपका 4 से 5 दिन खाएगा। आप एक दिन आएंगे, उसका मैं स्केल चेक कर लूंगा। अच्छा, 4 दिन के बाद उसका म्यूजिक बनाऊंगा, उसमें फाइनल करेंगे। तो उसमें अपना सामान क्या क्या लगेगा, मतलब क्या सामान लेकर आए हम? आप कुछ नहीं लेके आएंगे, आप जो आपके पास सिंगर है सिंगर को लेके आएंगे, सामान क्या आप लेके आएंगे, कुछ भी नहीं, वो तो सब कुछ मेरा। नहीं, आपके पास सामान है सारा जहाँ पर वो गाने बनाते हैं आप? अच्छा, किस चीज? अच्छा, तकरीबन फिर ये कितने दिनों में बन जाएगा एक गाना? 5 दिन में बन जाएगा। 5 दिन तो बहुत है, हमें तो एक दिन में तकरीबन 10 गाने चाहिए। एक दिन में 10 गाने हो नहीं सकते, वो फंक्शन क्यों हो जाता है, वो फिर रिकॉर्डिंग नहीं होती। मुझे तो नहीं लग रहा कि आप ये गाने भी बनाते हैं, पता नहीं क्यों। बेटा किसका नंबर डायल कर दिया ये? नहीं नहीं, मुझे बहुत बड़ी कंपोजर है ये, बहुत अच्छा गाने बनाए हैं आपने, अपना क्या नाम बताया इनका? इरफान। जी जी, इरफान साहब, गाने कुछ वगैरह बनाए हैं पहले आपने कोई? हुजूर, मैं गुज़श्ता 30 साल से म्यूजिक कंपोजर हूँ, आपकी फिल्म इंडस्ट्री, आपके जितने उर्दू आते हैं पंजाबी स्ट्राइक की, आउट ऑफ कंट्री में बहुत काम करता हूँ, आप हमारे नाम से बात और बात है। नहीं पता नहीं, मुझे लग नहीं रहा आप, मतलब बोलने में ही सुरीले नहीं है, तो आप कैसे मतलब गाने का बना? तो जी फिर आपकी मस्ती हुजूर अनवर, या फिर आपकी। अच्छा इरफान समो साहब, बात तो सुने, सुना है? आप नाराज हो गई शायद यार, आप मुझसे जिस लहजे में बात कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, कंपोजर बनने के लिए मुझे जरूर उठाना पड़ेगा। मैं आपको अपने स्टूडियो के एड्रेस बता रहा हूँ, तो मेरे स्टूडियो आ जाए,
बैठ के बात करें, वो कह रहे हो कि एक दिन में 10 गाने नहीं बनते। चलो एक तो बन जाएगा एक दिन में। हाँ एक अच्छा काम जो है वो एक दिन में एक भी नहीं बनता, अच्छा काम जो है वो कम से कम 3 से 4 दिन में बन जाता है। भाई इरफान साहब, अच्छा गाना बनाना है और उसमें अच्छा सा म्यूजिक डालना है, पैसों का मतलब आप फिक्र न करें, 10 लाख लगे 20 लाख लगे एक गाने पर भी मैं भर लूंगा। ठीक है, ठीक हो गया, मैं उसके लिए ये कह रहा हूँ। तो लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लग नहीं रहा मुझे कि आप कोई कंपोजर हैं, मुझे कैसे यकीन दिलाएंगे आप? अच्छा फिर यकीन नहीं आ रहा तो फिर हम अल्लाह हाफिज कर सकते हैं। नहीं, दो लाइनें मैं आपको सुना रहा हूँ शायरी की, अगर वो यहाँ पर कंपोज करके आप मुझे बनाए सुनाए तो मैं फिर आ जाऊँ। आपने अपना नाम क्या बताया था ना? कफील बात कर रहा हूँ। अच्छा कफील भाई, बात ये है कि मैं कोई यहाँ एग्जाम नहीं दे रहा अपनी कम्पोजिशन का, मैं आपको हर चीज की एक बात होती है कि मैं आप मेरे ऑफिस आ जाए, मेरे स्टूडियो में आप आए, वहां पर बैठ के एक लाइन नहीं मुझसे आप 10 कंपोजिशन बना कर देता हूँ। अच्छा एक गाने का वजन कितना होगा? बात नहीं होती, आप इतने तजुर्बेकार आदमी हैं। नहीं इरफान भाई, इरफान भाई एक गाने का वजन कितना होगा? 5-6 किलो का हो जाएगा? वजन कितना होगा? वजन में होगा वो गाना? वजन क्या होता है? 5-6 किलो का तो हो ना कम से कम यार। 5-6 किलो या आप ऐसा करें शापर में डाल के दे दें अच्छी तरह से पैक करके। जैसे आप कहेंगे वैसे दे देंगे। शापर डबल कीजिएगा, हमने जरा दूर जाना है। ठीक हो गया, समझ गए भाई। ठीक है भाई सौरभ सुमरो बात कर रहा हूँ धरती टीवी से। अरे मेहरबानी जरा मैं अदा समझी वेस इरफान समोसा फन काल कहीं से ता आ गया सा साई 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 वो तां तो सफा सीरियस थी है यार। ना सीरियस ही तेरा प्रोग्राम है ना सब देखते सीरियस ही तेरा। हाँ तो जी हुजूर करे गलाए मैं जरूर लखनऊ में काल कही है। ये उर्दू स्पीकिंग में तो मुझे गाला तो मैं तो और गाले जो तो ना कवर कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल सही जबरदस्त था, बाकायदे कंपोजर आयो सिंगर भी आयो हाने को 10-15 किलो जो गानो एकड़ो ठाए दे जो वजनदार हो जे साईं चला मां मन कनो ठाए दूं तुम्हारा। वही मेहरबानी इरफान समोसा तां सा फन काल कई जी नाजरीन इरफान समोसा वसा गड होयो डाडी सुठी उनन सा कचेरी थी आ उनन बुधायो त किए मा गाना टाइंदो आ केतरा पैसा लगंदा है त इन ते असानी अज जी फन काल पाजी पजाणी ते पोती इंदर फन काल ते असानी इजाजत अल्लाह हाफिज़।